रीतलाल यादव जो घूम घूम कर कहा कि लालू जी ने हमको आशीर्वाद दे दिया है, तैयारी करने के लिए हमको आदेश दे दिया है, अंत में फिर मीसा भारती को वहां से कहा गया, तीसरे यादव की हत्या तीसरी बार कर दिया। प्रतिभाशाली इमर्जिंग यादव बिहार में रहे हैं, सबों का पर कतरने का काम लालू जी ने आज तक, जिस तरह से लालू यादव ने जो दिखता है कि न बिहार में किसी बड़े नेता को पनपने देना चाहते हैं, न चाहते हैं कि उनके बेटे के राज्याभिषेक में कोई कांटा रह जाए बिहार में। हमने माँ के बेटी बहनों के दिल में जगह बनाई है, जिस किसी ने भी पॉलिटिकल डेथ करने की कोशिश की मुझे समझ में नहीं आई या कैसी नफरत थी। हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हैं कि एनडीए आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं दिव्यांशु। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतर गए हैं और आखिरकार उन्होंने आज पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन कर ही दिया। पप्पू यादव जीत का दावा कर रहे हैं, उनका कहना है कि समर्थन उनके साथ है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हों, सबका आशीर्वाद है उनके साथ और जीत उन्हीं की होगी। नामांकन के दौरान पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। नामांकन दाखिल कर दिए हैं और अब जीत को लेकर कितना स्वस्थ हैं? ये आशीर्वाद को लेकर हम स्वस्थ हैं। देश के माँ बेटी बहनों का, लोगों का, युवाओं का आशीर्वाद प्राप्त है, हमने दिल में स्थान प्राप्त कर लिया है, हमने माँ के बेटी बहनों के दिल में जगह बनाई है। जिस किसी ने भी पॉलिटिकल डेथ करने की कोशिश की और जिसने परिवार के बीच ही नफरत जो उन्होंने जिस तरीके से दिखाया मुझे समझ में नहीं आई या कैसी नफरत थी। हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हैं कि एनडीए को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी लड़ाई इंडिया गठबंधन के साथ राहुल गांधी को पीएम बनाने का है। कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए हर परिस्थिति में हमारे बिहार के सारे वर्कर काम करेंगे और हम मेरा प्रयास होगा जितनी हमारी क्षमता होगी उस क्षमता का प्रयोग हम इंडिया गठबंधन के लिए लगाएंगे। हम उस संकल्प के साथ आज निकल रहे हैं कि पूर्णिया इस बिहार में जातीय उन्माद भी खत्म करेगा, नफरत भी खत्म करेगा, हर परिवार और घर के लिए संकल्पित होकर हम निकल रहे हैं कि उसकी आर्थिक और रोजगार और सीमांचल और पूर्णिया और कोसी को नंबर वन बनाने के लिए 4 जून के बाद जिस तरह पूर्णिया के 10 लाख माँ बहनों, युवाओं ने, छात्रों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, गरीबों ने, उस संकल्प को पूर्णिया को दुनिया के मानचित्र में लाना मेरा पहला संकल्प होगा और जातीय उन्माद को खत्म करना। तो आपने सुना, पप्पू यादव को नामांकन के करने के लिए जा रहे थे, उस वक्त मीडिया कर्मियों से बात उन्होंने की और बड़ी बात उन्होंने कही कि पूर्णिया को विश्व के मानचित्र पर लाना है और जातीय उन्माद पूर्णिया ही खत्म करेगा। आपको बता दें कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर होगा। पप्पू यादव आज नामांकन कर चुके हैं, कल महागठबंधन की प्रत्याशी आरजेडी कि बीमा भारती ने वहां पर नॉमिनेशन किया, उसमें तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। तेजस्वी यादव पहुंचे और एक तरह से देखा जाए तो अभी तक 4 कैंडिडेट्स ने नामांकन किया है आरजेडी के, लेकिन किसी में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। यहां तक कि अपनी बहन जो रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से ताल ठोक रही हैं, अभी जनसंपर्क अभियान भी कर रही हैं, लेकिन उसमें भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे, नहीं दिखे थे। और इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो यादव समुदाय है वहां पर, यादव और मुसलमान, उनको अपने पाले में लाने के लिए तेजस्वी यादव वहां पर गए थे, क्योंकि जो आज समर्थन मिला है पप्पू यादव को और लगातार उन्हें जो समर्थन मिल रहा है, यादवों का कहना है कि वो पप्पू यादव के साथ ही रहेंगे,
समर्थन, उनके समर्थक क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव के, जो आज नॉमिनेशन के दौरान पहुंचे थे, आप उन्हें भी सुनिए। कंफ्यूज नहीं है, इसलिए नहीं है, इसमें तर्क की बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग पप्पू यादव के साथ नहीं भी थे, एक बड़ा समूह नहीं था, आज की तारीख में वो पप्पू यादव के साथ इसलिए हो गया है, जिस तरह से लालू यादव ने जो दिखता है कि न बिहार में किसी बड़े नेता को पनपने देना चाहते हैं, न चाहते हैं कि उनके बेटे के राज्याभिषेक में कोई कांटा रह जाए बिहार में, और इसके चलते उसने जो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के सवाल एक पप्पू यादव के नहीं है, कटिहार में देख लीजिए अस्फाक करीम को आज निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन करवाया जा रहा है, सब जगह पूरे जो एक एक माहौल जो होता है इंडिया गठबंधन के पक्ष में उसको कमजोर करने की कोशिश लालू जी ने की है, और उसी लालू की इसी सोच का प्रतिकार करने के लिए आज जो लोग पप्पू यादव के साथ नहीं भी पूर्णिया में थे, आज पप्पू यादव के साथ वो आए हैं, सहानुभूति लेकर आए हैं कि नहीं लालू यादव के इन विचारों का प्रतिकार करना। इंडिया गठबंधन में जो इस तरह की बातें हो रही है, बिहार में कई लोकसभा प्रत्याशी जो है कई हैं, मैं आपको कितना इंडिया गठबंधन कमजोर दिख रहा है, आप इंडिया गठबंधन कमजोर है या मजबूत है, ठीक है ना, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं, जो पहले था वही आज भी है। सवाल यहाँ पर सिर्फ आप पप्पू यादव की जीत और हार की बात कर सकते हैं, इन परिस्थितियों में पप्पू यादव का भविष्य क्या होगा, तो यहाँ के बारे में तो हमने क्लियर कर दिया कि जो लोग इनके साथ नहीं भी थे, जो इन वर्षों में पप्पू यादव से बिछड़ भी गए थे, आज पप्पू यादव के साथ इसलिए है, एक जो सहानुभूति लोगों की आई है, जिस तरह से लालू यादव ने पप्पू यादव के राजनीतिक भविष्य को खत्म करने की साजिश रची है और इंडिया गठबंधन को इस पूरे पूर्णिया सीमांचल में कमजोर करने की साजिश रची है, उसके खिलाफ लोग प्रतिकार करने के लिए, लालू के इन सोच का प्रतिकार करने के लिए आज सभी एकजुट हो गए हैं पप्पू यादव के प्रति। वो नहीं देख रहे हैं कि पप्पू यादव किस दल से खड़े हैं, निर्दलीय हैं कि क्या है। लालू यादव की सोच, आप यादवों की बात करते हैं भाई, यादवों की बात करते हैं तो वो यादव के नेता कहाँ है आप बता दीजिए। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लेकिन 1990 से लेकर आज तक जितने भी यादव प्रतिभाशाली इमर्जिंग यादव बिहार में रहे हैं, सबों का पर कतरने का काम लालू जी ने आज तक किया। आप एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, पाटलिपुत्रा जो रामकृपाल यादव कभी लालू जी के हनुमान कहे जाते थे, आप लोग भी जानते होंगे, राम और श्याम की जोड़ी हुआ करती थी, रामकृपाल यादव और श्याम रजक, और रामकृपाल को हनुमान कहा जाता था लालू, और वहां से उसने अपनी बेटी मीसा भारती को टिकट देने के लिए रामकृपाल यादव की राजनीतिक हत्या कर दी। दूसरी बार जब दूसरा समय आया दूसरे लोकसभा चुनाव में, फिर मीसा भारती को टिकट देकर भाई वीरेंद्र जो 5 बार के विधायक थे, जो प्रचार प्रसार शुरू कर दिए थे, उसकी हत्या कर दी लालू की। और इस बार फिर रीतलाल यादव जो घूम घूम कर कहा कि लालू जी ने हमको आशीर्वाद दे दिया है, तैयारी करने के लिए हमको आदेश दे दिया है और मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, और अंत में फिर मीसा भारती को वहां से कहा गया, तीसरे यादव की हत्या तीसरी बार कर दिया। तो भाई कैसे हम समझेंगे कि वो यादवों की राजनीति करते हैं, जात की भी राजनीति करें तो एक बात समझ में आएगी कि लालू यादव जात की राजनीति करते हैं, वो तो कोई राजनीति ही नहीं करते हैं, न उनको बिहार की चिंता है, न देश बचाने की और संविधान बचाने की चिंता है, न देश में कितनी बड़ी लड़ाई आज लड़ी जा रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक राहुल गांधी ने एक प्रयास किया कि चलो सबों को एकजुट लेकर एक एक चुनावी टक्कर दी जाए मोदी को, और इस पूरे कवायद को कमजोर करने की कोशिश लालू जी ने किया। देश का झंडा तो हाथ में है, अगर निर्दलीय रूप से दे रहे, किस तरह का सिचुएशन है? सिचुएशन इनके पक्ष में है, यहाँ जितने लोग आए हुए हैं सब अपने आए हैं, बुलाए गए नहीं, ये भी बता रही है कि इस दिन क्या भारी बहुमत से इनकी जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। महागठबंधन का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ बस केवल पप्पू यादव को लोग देख रहा है और उसको देख के लोग कहा। तो आप सुन रहे थे पप्पू यादव के समर्थक को, बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं नॉमिनेशन में, और लग रहा है कि जो यादव और मुसलमान वोटर हैं पूर्णिया के, वो पप्पू यादव के साथ हैं।
अब देखना होगा कि वोटिंग के दौरान, जो वोटिंग होगी 26 अप्रैल को पूर्णिया में, उसमें क्या यादव और मुसलमान गोलबंद होकर आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती को वोट देते हैं या फिर पप्पू यादव के साथ रहते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।